नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए एक कंटेंट लेके आए हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि पोल्ट्री फीड से कबूतरों को क्यों नहीं पालना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी डीप बातें करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रिंग आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। और जिन भाई ने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन उनके रिंग आइकन ऑल पे नहीं है तो उसको चेक कर लें, ठीक है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत कि पोल्ट्री फीड से हमें बच्चे क्यों नहीं पलवाने चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दूंगा। आप मुर्गी के दो चूजे लेके आ जाएं, मुर्गी के एक को आप बहुत अच्छा दाना खिलाएं, बहुत बढ़िया बादाम, पिस्ता, अखरोट, जो खिला सकते हैं खिलाएं, महंगे से महंगा माल उसको खिलाएं आप, ठीक है। एक तो खा रहा है मस्त माल, बढ़िया से बढ़िया चीज़ खा रहा है, और दूसरे को खिलाएं आप सिर्फ पोल्ट्री फीड। अब आपको देखते हो क्या क्या मिलेगा। जो एक चूज़ा है जो पोल्ट्री फीड खा रहा है, वो विद इन 40 days to 45 days के अंदर रेडी हो जाएगा, प्रॉपर एडल्ट, साइज गेन, सब चीज बढ़िया। और उसी के स्थान पे जो दूसरा चूज़ा है, जो सारे व्यंजन खा रहा है, बादाम खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, वो आप देखेंगे तो उसको प्रॉपर अपना एडल्ट होने में लगभग, मान के चले आप, 6 महीने लगेंगे, 6 से 8 महीने। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इसलिए है कि जो पोल्ट्री फीड बनती है वो स्पेशल केमिकल्स के थ्रू बनाई जाती है, और उसमें मक्का भी होता है, सोयाबीन भी होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी मिलाई जाती हैं जिससे एक तो जो मुर्गियाँ होती हैं वो विदाउट मैटिंग के अंडे देती हैं, दूसरी चीज़ जो उनका वेट गेनिंग का रेशो होता है वो बहुत जल्दी बढ़ा जाता है, जिससे वो वेट गेन के लिए स्पेशली पोल्ट्री फीड दी जाती है। अलग अलग तरह की आती है, स्टार्टर की अलग आती है, जो स्टार्टर चिक्स होते हैं उनकी अलग आती है, जब वो स्टेज से ऊपर आते हैं तो उनकी अलग आती है, और जो फाइनल स्टेज होती है उनकी अलग आती है। तो वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग पोल्ट्री फीड को फीड कराया जाता है, जस्ट फॉर उन चिक्स को जल्दी से बड़ा करके मार्केट में सेल करने के लिए पोल्ट्री फार्म के अकॉर्डिंग। मुर्गियां पाल रहे हो, कबूतर पाल रहे हो, बताओ, कबूतर पाल रहे हो ना। दूसरी चीज, अब मैं बताता हूँ, ये तो फायदा हो गया, चलो जी बहुत जल्दी हमारे कबूतर का वेट कतई बॉडी बिल्डर। अब बात करते हैं नुकसान की। तो नुकसान के अंदर आप देखें तो जिन व्यक्तियों ने घर में अपने देसी मुर्गियां पाली होती हैं, क्या उन मुर्गियों के अंदर बर्ड फ्लू के टाइम में बीमारी आती है? मेरे ख्याल से अगर आती भी होगी तो बहुत कम आती है, नहीं तो नहीं आती। लेकिन जब पोल्ट्री फार्म में बीमारी आती है तो क्या हालात होते हैं? लाशें ही लाशें। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी होती ही नहीं। लास्ट वीडियो डाली थी, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। अब ये नहीं कि आप इधर पोल्ट्री फीड खिलाएंगे, वहां पे इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे तो काम हो जाएगा। आपने जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और आपने एक व्यक्ति बहुत अच्छी डाइट ले रहा है, बहुत बढ़िया डाइट लेके चल रहा है, नॉन वेज भी खा रहा है, वेज भी खा रहा है, हर तरह के वेजिटेबल्स खा रहा है, प्लस प्रोटीन वगैरह हर तरह से लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप पूरे दिन का प्रोटीन इकट्ठा नहीं ले सकते, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट उस टाइम पे यूज़ करना पड़ता है एज ए प्रोटीन। लेकिन कुछ लोग हैं जो बढ़िया खाने वालों में से हैं, वो अपना प्रोटीन पूरा कर लेते हैं, उन्हें दिखता है कि हाँ जी मुझे पता है कि इतने एग खा करके मेरा प्रोटीन लेवल पूरा हो जाएगा, तो उतने एग वो पेल लेते हैं शाम तक। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कुछ नए नए लौंडे होते हैं, वो जाते हैं जिम के अंदर, जाते हुए डब्बा ले लेंगे एक वेट गेनर, पेट बाहर मुंह सूजा हुआ। अब भाई कुछ ऐसे व्यक्ति भी हमारे भाई जिनके पास पैसों की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन उनको भी बॉडी बनानी है, वो डेक्सोना खा लेते हैं, डेक्सोना खाई बन गए बॉडी बिल्डर, मुंह थोपड़ा सूज गया, मधुमक्खी ने काट लिया, पेट बाहर आ गया, यूं हो गए, और जहां पे छोड़ी। तो वो काम आप मत करें, इंस्टेंट जो भी काम होगा वो दिक्कत देगा ही देगा।
तो इंस्टेंट वर्क कोई भी आप व्यक्ति ना करे, मेरा मानना ये है आप अपने कबूतरों की देखभाल अच्छे से करें, उनको अच्छा खाना खिलाएं। नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं बहुत जल्द कि कबूतरों के बच्चे इस तरीके से पलवाएं कि उनके अंदर एक भी बच्चे को पालने की जरूरत आपको ना पड़े। आपका ये तो टेंशन है कि आपको बच्चे पालने पड़ रहे हैं तब आप पोल्ट्री फीड से पालना चाह रहे हैं, तो इस चीज को खत्म कर देते हैं ना कलेश को ही। जब आप अपने कबूतरों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपको बच्चे पालना क्यों पड़ेगा, वो तो कबूतर खुद ही पाल लेंगे यार, माँ बाप हैं वो, हमसे अच्छे पाल लेते हैं। जितना मर्जी हंगा लगा लेना अपने जान का, जो कबूतर पाल के दे देगा ना बच्चा, वो आप नहीं पाल पाओगे किसी भी कीमत पे। चैलेंज है आपके सामने, जितने मर्जी बादाम खिलाओ, जितने मर्जी आप चने खिलाओ, छोले खिलाओ, वो कंडीशन कब होती है जब बच्चा पालना पड़ता है, कभी कभार हम लोगों को भी पालना पड़ता है, जब माँ बाप नहीं पालते या माँ बाप ढंग से नहीं पाल पा रहे, उस कंडीशंस में तो हमको करना पड़ता है कि यार बच्चा मर ना जाए बेचारा, यार छोटा है बेचारा, कुछ ना कुछ करो इसके लिए। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि वो ढंग से पाल रहे हैं तो जरूर उनके डोही के अंदर उंगल देनी है, मत दो ना, पालने दो उन्हें बेचारों को, बहुत अच्छा पाल सकते हैं आपसे, क्योंकि वो माँ बाप हैं, उनको पता है कि उनको अपने बच्चे को कैसे पालना है, जैसे आपके माँ बाप को पता है कि आपको कैसे पालना है। तो मेरा मानना ये है भाई, रिक्वेस्ट है आप सभी से, कोई सी भी पोल्ट्री फीड यूज़ ना करें आप अपने कबूतरों के लिए, ये हार्मफुल है। हार्मफुल इज द सेंस क्यों है, क्योंकि ये कबूतरों की इम्यूनिटी लो करती है, उनकी ग्रोथ को इंस्टेंट बढ़ाती है, और जब कोई भी चीज़ इंस्टेंट बढ़ेगी, एकदम से बड़े हो जाओगे क्या, टाइम लगता है ना बड़े होने में, हमें भी साल बीतते जाते हैं, हल्की हल्की बुर आती है, दो चार बाल इधर, दो चार बाल इधर, दो चार बाल इधर, ऐसे तो होता है ना, या एकदम से बचपन में दाढ़ी के साथ पैदा होते हो, नहीं होते ना, तो वो चीज़ को समझें आप लोग। अभी भी कुछ भाई होंगे ऐसे जो इस चीज़ को भी नेगेटिव लेके जाएंगे और डिसलाइक करेंगे, कोई बात नहीं भाई, जैसे आपकी सोच, जैसे आपकी समझ, जो मेरी समझ थी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, आपको माननी है या नहीं माननी वो आपको देखना है कि आपके लिए ठीक क्या है। मेरा सुझाव था आपको बताना कि पोल्ट्री फीड बेकार है, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड की हो, मत लो ना खिलाओ, कुछ मत करो, अपनी तरफ से अपने ब्रीडर जोड़ों का ख्याल रखो, जब ब्रीडर जोड़ों का ख्याल रखोगे तो अपने बच्चों का ख्याल वो खुद ब खुद रख सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत है, उसको आप समझें, अपनी ज्ञान की बढ़ोतरी इतनी ना करें और पोल्ट्री फीड बच्चों को ना दें। आप कुछ बंदे कहेंगे कि भाई पोल्ट्री फीड वाले कबूतर उड़ते नहीं हैं, अबे पर दिए हैं कबूतर को ऊपर वाले ने, भगवान ने जिसको पर दिए उड़ेगा नहीं, आपको मुंह दिया बोलोगे नहीं, हाथ दिए खाओगे नहीं, करोगे ना, जिसको पर दिए वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, लेकिन बात आती है इम्यूनिटी की, तो इस चीज़ को आप समझें, इम्यूनिटी लेवल क्या होता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर में जो डिसीजेज से लड़ने का काम करती है, अगर वो वेल मेंटेन होगी तभी तो लड़ोगे। जिस व्यक्ति को डेंगू होता है ना, वो प्लेटलेट्स, आधे लोग कहते हैं प्लेटें गिर गई, प्लेटलेट्स गिरती हैं, वो प्लेटलेट्स क्यों गिरती हैं, क्योंकि डेंगू जो है आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करता है, जो कि हमारे प्लेटलेट्स के रूप में होती हैं, और जब प्लेटलेट्स डाउन जाती हैं तो व्यक्ति बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता, इस कारण से कभी कभी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है और कभी कभी उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है उस कंडीशन में, जब उसकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती हैं, 10,000 तक पहुंच जाती हैं, जबकि 3-3.5 लाख तक होती हैं प्लेटलेट्स। तो इस चीज़ को समझें, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, आपका कोई सवाल हो कमेंट में डाल देना, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।